स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान की इस ऑनलाइन क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है वनस्पति जगत। ये इस विषय का तीसरा पार्ट है, लेसन नंबर थर्ड है। हमने इससे पहले की क्लास में वनस्पति जगत के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी और उसमें हमें ये जानकारी हुई थी कि इस जगत में किन किन पादप समूह को रखा गया है। और वो पादप समूह थे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो कुल 5 प्रकार के पादप समूह को वनस्पति जगत में रखे गए हैं। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ये वनस्पति जगत किस अवधारणा के अनुसार हम पढ़ रहे हैं? कौन सी अवधारणा? पंच जगतीय अवधारणा। इस अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? RHVTKR द्वारा। तो हम पंच जगतीय अवधारणा का ये चौथा जगत है। इससे पहले कि 3 पढ़े गए जगत के नाम बताइए। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा और तीसरा फंजाई या कवक। तो ये जगतीय अवधारणा दूसरे पाठ के अंदर पढ़ी थी। अब तीसरे पाठ के अंतर्गत हमने वनस्पति जगत को पढ़ना प्रारंभ किया। शैवाल के सामान्य लक्षण हम इससे पूर्व की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम शैवाल के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे क्या? हम ये पढ़ेंगे कि शैवाल के मूल रूप से 3 डिवीजन बनाए गए हैं। मुख्य रूप से कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार कितने बनाए गए? 3 डिवीजन बनाए गए। तो आज हम उन्हीं 3 डिवीजनों के सामान्य लक्षण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विद्यार्थियों, ये 3 डिवीजन या विभाग कह सकते हैं, इसको प्रभाग कह सकते हैं, कौन कौन सा है? पहला क्लोरोफाइसी, दूसरा फियोफाइसी और तीसरा रोडोफाइसी। उच्च क्लासों में शैवाल को डिवीजन में और फिर क्लास के अंदर विभक्त किया गया है। पहला डिवीजन है क्लोरोफाइसी। नाम से स्पष्ट है, क्लोरो क्लोरोफिल के लिए प्रयुक्त हुआ है और फाइसी एक अनुलग्न शब्द है जो शैवाल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस डिवीजन के सदस्यों को सामान्य तौर पर हरा शैवाल या हरी शैवाल के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि तालाब का पानी पूर्ण रूप से कुछ समय बाद हरा हरा हो जाता है, तो उसमें कौन सी शैवाल हो सकती है? क्लोरोफाइसी के कोई सदस्य हो सकते हैं या हरी शैवाल हो सकती है। इसके कारण रंग कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा, सतह का रंग हरा हो जाता है, वो पूरी पूरी हरे शैवाल है। इस डिवीजन की पादपों की पादप का है, या तो वो पादप एक कोशी के हो सकते हैं अथवा बहु कोशी के हो सकते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास एक कोशी के शैवाल हैं, जबकि बाकी सभी सदस्य बहु कोशी के शैवाल के अंतर्गत आते हैं। जब वो बहु कोशी की संरचना के रूप में होते हैं तो हो सकता है वो तंतुमय हो। पादप का कैसे होगी? तंतु का मतलब कैसा होगा? एक लंबे संरचना, धागे नुमा संरचना के रूप में तंतु कहलाएगा। तो इस तंतु नुमा संरचना के रूप में हो सकता है, जैसे स्पायरोगायरा हो सकता है, यूलोथ्रिक्स हो सकता है, अथवा वो कॉलोनी रूप में होगा। कॉलोनी का मतलब कोशिका, एक कोशी की संरचना होगी तो कोशिका है निश्चित संख्या में एक विशेष प्रकार के तंतु के द्वारा। और इस तंतु को क्या नाम देते हैं हम? साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट कहते हैं या स्ट्रैंड कहते हैं। तो इस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड या जीवद्रव्य तंतु के द्वारा जुड़ करके एक बहुकोशिकीय संरचना बनाती है। इसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है,
इस प्रकार की संरचना को कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। और ऐसी संरचना हमने प्रारंभिक परिचय में क्या पढ़ा था, वॉल बॉक्स में ऐसी संरचना पाई जाती है। तो ये कैसा हो सकता है, तंतु में हो सकता है अथवा कॉलोनी में हो सकता है। इस डिवीजन के शैवाल में वर्णक मुख्य रूप से क्लोरोफिल पाया जाता है। अब वो क्लोरोफिल कौन सा होता है, ए और बी, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि सभी पादपों में क्लोरोफिल ए अनिवार्य रूप से पाया जाता है, जबकि बी केवल हरे पादपों के अंदर ही पाया जाता है। तो ये भी कौन सी शैवाल हुई, हरी शैवाल, इसलिए इसमें क्लोरोफिल ए भी है और बी भी, मुख्य रूप से बी रूप में। क्लोरोफिल मूल रूप से क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल क्या है, वर्णक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, लवक है। तो इस लवक के अंदर कौन से वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल। तो ये जो लवक होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं, वो संख्या में और आकार में विविधता लिए हुए होते हैं, किसमें, शैवालों में। सामान्य रूप से एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट की संख्या फिक्स है और उसका आकार फिक्स है, लेकिन शैवाल के अंदर पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट का आकार अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे डिस्कनोमा, डिस्क मतलब होता है उभे उत्तलाकार, इस प्रकार की संरचना युक्त होगा तो उसको नाम देते हैं डिस्कनोमा। प्यालेनुमा हो सकता है, किस प्रकार का, इस प्रकार की आकृति युक्त हो सकता है, घोड़े की नाल जैसा कह सकते हैं। सर्पिलाकार हो सकता है अथवा फीते समान हो सकता है, चपटी हो सकती है, या फिर वो अलग अलग प्रकार की जालिकावत संरचना के रूप में पाया जाता है। तो शैवालों के अंदर कुल कितने प्रकार के सामान्य रूप से क्लोरोप्लास्ट के आकार पाए जाते हैं, डिस्क, प्यालेनुमा, सर्पिलाकार, रिबिनाकार और जालिकावत। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि शैवाल में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट का आकार लिखिए। इस क्लोरोप्लास्ट जैसी संरचना के साथ में स्टार से निर्मित विशेष पटलिकाएं पाई जाती है जिनको पाइरिनोइड कहते हैं। क्या कहेंगे, पाइरिनोइड। पाइरिनोइड की उपस्थिति शैवाल का एक विशेष लक्षण होता है। ये पाइरिनोइड्स प्रत्येक कोशिका में एक भी हो सकता है या फिर एक से अधिक भी पाए जा सकते हैं। क्लोरोफाइसी में संचित खाद्य पदार्थ के रूप में स्टार्च पाया जाता है और कभी कभी इसके साथ में तेल बुंदक भी उपस्थित हो सकती है। क्लोरोफाइसी शैवाल की कोशिकाएं सामान्य तौर पर यूकेरियोटिक प्रकार की होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सुविकसित प्रकार के कोशिकांग और केंद्रक पाया जाता है। इस यूकेरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और पेक्टिन की बनी होती है, दो परतों की बनी होती है। बाह्य परत सामान्य तौर पर सेल्यूलोज से निर्मित होती है जबकि आंतरिक परत पैक्टोज से निर्मित होती है। कितनी परतें हुई, दो परतें, बाह्य परत और आंतरिक परत। इस डिवीजन के शैवालों में जनन की प्रक्रिया कायिक, अलैंगिक और लैंगिक विधि से होती है। कायिक, अलैंगिक और लैंगिक, ये तीनों प्रकार के जनन क्या होते हैं, इनके बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। कायिक जनन मुख्य रूप से खंडन के द्वारा, जिसमें तंतुमय, जैसे इस प्रकार के तंतुमय शैवाल टूट जाता है और ये टूटन दो या दो से अधिक भागों में हो सकती है। प्रत्येक भाग या खंड नए शैवाल को निर्मित करने में सक्षम होता है। दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन सामान्य तौर पर जूस्पोर के द्वारा होता है। जूस्पोर या इसको क्या नाम देंगे, चल भी जन्म कहते हैं। अब जूस्पोर का निर्माण कहाँ होता है, कि जूस्पोर का निर्माण जैसे इस कोशिका में होना प्रारंभ होता है, इस कोशिका में जूस्पोर का निर्माण हुआ, तो हम अब इस जूस्पोर युक्त कोशिका को क्या नाम देते हैं, जूस्पोरेंजियम, या हिंदी में नाम देंगे इसको चल बीजाणुधानी। हम सिंपल से कह सकते हैं कि चल बीजाणुओं का निर्माण चल बीजाणुधानी के अंतर्गत होता है और ये चल बीजाणु जल के साथ में गति करते हुए या जल में गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते हैं और किसी एक अदर स्तर से जुड़ कर नए शैवाल को निर्मित करते हैं। लैंगिक जनन की प्रक्रिया समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी प्रकार की होती है। अब इस क्लोरोफाइसी के अंतर्गत पाए जाने वाले हरे शैवालों के उदाहरण,
जैसे क्लेमाइडोमोनास, ध्यान दीजिए क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय शैवाल है और इसमें प्याले नुमा एकल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। दूसरा कारा, जो सबसे बड़ा या नग्न रूप से दिखने वाला शैवाल है। तीसरा यूलोथ्रिक्स, जो तंतु में संरचना होती है। स्पाइरोगाइरा, स्पाइरल प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और तंतु में होती है। और वॉल्वॉक्स, कॉलोनी में शैवाल कहलाता है। तो इस क्लोरोफाइसी के मुख्य लक्षण क्या है? जैसे पहला है इसके अंदर वर्णक कौन सा पाया जाता है, दूसरा इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती, तीसरी इसके अंदर संचित खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, पांचवा पायरिनर्स उपस्थित होते हैं तो कितने होते हैं, और जनन कौन सी विधि के द्वारा हो सकते हैं। तो इसमें से कोई एक टॉपिक से संबंधित प्रश्न परीक्षा के अंतर्गत पूछा जा सकता है। शैवाल का दूसरा डिवीजन है इन शैवालों को फियोफाइसी के नाम से जाना जाता है। फियोफाइसी के सभी सदस्य को सामान्य रूप से भूरी शैवाल के रूप में जानते हैं। इन शैवालों का पादप का है सरल से लगा करके सघन शाखित प्रारूप में होता है। सघन सरल पादप काय के रूप में एक्टोकार्पस का एग्जाम्पल आता है, जबकि सघन शाखित के रूप में कैल्प होता है। कैल्प सबसे बड़ा या शैवालों के अंदर बड़े सदस्य के रूप में जाना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 100 मीटर तक होती है। पादप काय कैसा होता है? पादप काय एक सरल जैसे इस प्रकार का ये एक्टोकार्पस तंतु संरचना है। ये एक बहुकोशिकीय है जिसकी प्रत्येक एक कोशिका एक दूसरे से जुड़ी होती है और आधारीय भाग से ये अध स्तर से जुड़ा रहता है, जो कि राइजोर से सभी प्रकार के भूरी शैवाल अध स्तर से इसमें जुड़े होते हैं। जब ये विकसित प्रकार के जैसे साखित या सघन भूरी शैवाल के लिए बात करें तो इनमें इस प्रकार की पर्णिल संरचनाएँ पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? पर्णिल संरचनाएँ। और ये पर्णिल संरचनाएँ हरे रंग की होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषी अंग के रूप में कार्य करती है। तो ये भूरी हरी शैवाल से थोड़ा सा विकसित शैवाल का समूह है। इसके अंतर्गत पर्णिल संरचना पाई जाती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। तो संरचना पर्णिल होती है, पर्ण नहीं पाई जाती। इन शैवालों में वर्णक के रूप में क्लोरोफिल ए और बी के साथ कैटिनर्स और जेंथोफिल पाए जाते हैं। कैटिनर्स की मात्रा के आधार पर इन शैवालों का विशेष रंग होता है, जो सामान्य तौर पर जैतूनी हरा से होकर के भूरे रंग का होता है। जैतूनी हरा और भूरा रंग डिपेंड करेगा कि इसके अंदर जेंथोफिल की मात्रा और फ्यूकोजेंथिन की मात्रा कितनी अधिक होती है। यदि फ्यूकोजेंथिन अधिक मात्रा में तो सामान्य रूप से भूरा रंग दिखाई देता है, अन्यथा ये जैतूनी हरे रंग के रूप में दिखाई देती है। लेकिन अधिकांश शैवाल हैं वो भूरे रंग की होती है, इसलिए फियोफाइसी को भूरी शैवाल के नाम से ही जाना जाता है। इसमें पायरिनर्स लगभग अनुपस्थित होते हैं संचित खाद्य पदार्थ के रूप में। लेमिनेरिन और मैनिटॉल पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? लेमिनेरिन और मैनिटॉल, ये मूल रूप से कार्बनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। इन शैवालों की कोशिका भित्ति वो सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन कोशिका भित्ति के बाहर की ओर एल्जिन नामक एक जिलेटिनी पदार्थ का आवरण होता है। तो कोशिका भित्ति का घटक है वो एलिजिन है। एलिजिन एक कार्बनिक पदार्थ है जो कोशिका भित्ति के बाहर की ओर पाया जाता है, जो कि फियोफाइसी का विशेष लक्षण होता है। जनन में कायिक जनन विखंडन विधि के द्वारा होता है, लैंगिक जनन जूस्पोर के द्वारा होता है। जो कोई लैंगिक जनन होता है समयुग्मकी असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी प्रकार का होता है, जो कि क्लोरोफाइसी के समान। लेकिन जूस्पोर थोड़े अलग प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? क्लोरोफाइसी के अंतर्गत पाए जाने वाले जूस्पोर होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। दोनों कशाविकाएं होती है वो समान है और इस कोशिका के अग्रभाग की ओर लगी होती है। कोशिका है वो नाशपति के आकार की होती है, लेकिन फियोफाइसी में पाए जाने वाले जूस्पोर थोड़ा सा अलग होता है। हालांकि बीजाणु या युग्मक दोनों के लिए बात कर रहे हैं, आकार होता है वो नाशपति के आकार का होता है, लेकिन इसमें कशाविकाएं
अग्रभाग पर न लग करके कोशिका के पार्श्व भाग में लगी होती है, तो पार्श्वीय कशाविका कहलाती है। कितनी कशाविकाएं? दो। इसमें से अग्र कशाविकाएं वो लंबी है, जब पार्श्व कशाविकाएं वो छोटी है, तो कशाविका कैसे हुई? असमान होती। असमान होने के साथ साथ में पक्ष कशाविकाओं पर इस प्रकार की तंतु संरचना पाई जाती है, यानी वो वीप्लेस है, जबकि अग्रभाग की वो टेंशन प्रतोद प्रकार की होती है। तो ये विषम कशाविकाओं के रूप में भी जानी जाती है। याद इतना रखना है कि फियोफाइसी में पाए जाने वाले युग्मक और बीजाणु पर पार्श्वीय असमान कशाविकाएं पाई जाती हैं। इस डिवीजन के अंतर्गत एक्टोकार्पस, डिप्टियोटा, लेमिनेरिया और फ्यूकस जैसे शैवालों को रखा गया है। तो ये किसके एग्जांपल है? डिवीजन फियोफाइसी के अंतर्गत। परीक्षा के अंदर प्रश्न आ सकता है कि फियोफाइसी के किन्हीं दो सदस्यों के नाम लिखो, तो डिप्टियोटा लिख सकते हैं, एक्टोकार्पस लिख सकते हैं, लेमिनेरिया लिख सकते हैं, फ्यूकस लिख सकते हैं, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि फियोफाइसी में पाए जाने वाले जू स्पोर या चल बीजाणु की विशेषता लिखो, तो ये वनस्पति के आकार का होता है, पार्श्वीय असमान द्विकशाविक होते हैं। शैवालों का तीसरा समूह रोडोफाइसी कहलाता है। इन शैवालों का रंग सामान्य तौर पर लाल होता है, इसलिए ये लाल शैवाल के नाम से जाने जाते हैं। ये शैवाल कहाँ पाए जाएंगे? मुख्य रूप से समुद्री सतह पर, समुद्र की ऊपरी सतह पर जहाँ पर प्रकाश अधिक मिलता है, और निचली सतह पर जहाँ पर प्रकाश कम मिलता है। दोनों ही सतह पर समान रूप से रोडोफाइसी के सदस्य पाए जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समुद्र में कहीं भी किसी भी क्षेत्र तक रोडोफाइसी के शैवाल पाए जाते हैं। ये मुख्यतः ऐसे क्षेत्र जो गर्म क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों के अंदर ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। थैलस होता है, सामान्य तौर पर बहुकोशिकीय होता है। इनमें वर्णक हैं वो फाइकोएरिथ्रिन है, और कौन से प्रकार का एरिथ्रिन है? आर फाइकोएरिथ्रिन। सी फाइकोएरिथ्रिन होता तो वो पाया जाता है साइनोफाइसी के अंदर, जबकि आर फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है और रोडोफाइसी में। अन्य वर्णकों के साथ साथ जैसे कैरोटीन और क्लोरोफिल तो पाए जाएंगे, लेकिन मुख्य है वो कौन सा है? आर फाइकोएरिथ्रिन। और इसी की खनिज का रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। इन शैवालों में संसिद्ध खाद्य पदार्थ विशेष प्रकार का स्टार्च पाया जाता है, जिसको फ्लोरोडियन स्टार्च के नाम से जाना जाता है, जबकि फियोफाइसी में मैनिटोल और लेमिनेरिन स्टार्च पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति अन्य शैवालों की तरह सेलुलोज की बनी होती है। जनन इसमें तीनों विधि द्वारा होता है, कायिक तो खंडन और विखंडन विधि द्वारा हो सकता है, अलैंगिक अचल बीजाणु द्वारा होता है, चल बीजाणु द्वारा नहीं बल्कि अचल बीजाणु का। और इन अचल बीजाणुओं का निर्माण किसमें होता है? अचल बीजाणु धानियों के अंतर्गत होता है। अब संरचना कैसी होगी? यदि वो चल बीजाणु है तो उसके पार्श्व भाग में या अग्रभाग पर कशाविकाएं पाई जाती है, तो होता है चल बीजाणु। और यदि उनमें कशाविकाएं नहीं पाई जाती है तो ऐसे बीजाणु क्या कहलाएंगे? अचल बीजाणु कहलाते हैं। अब ये भी गति करेंगे, लेकिन किसके साथ में? जल धाराओं के साथ में, बिना जल धाराओं की सहायता से इसकी गति नहीं हो सकती। तो सामान्य शैवालों से भिन्न इसमें अचल बीजाणुओं के द्वारा जनन होता है। लैंगिक जनन केवल एक प्रकार का, कौन सा प्रकार का होता है? विषम युग्मकी प्रकार का होता है। और ये विषम युग्मक में भाग लेने वाले युग्मक होते हैं, वो होते हैं अगेन अचल। तो अलैंगिक और लैंगिक दोनों ही अचल जनन संरचनाओं के द्वारा संपन्न होता है। इनमें विकास सामान्यतः निषेचन के बाद में होता है। इस डिवीजन के कौन कौन से सदस्य मुख्य रूप से हैं? पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफाइरिया और जेलिडियम। इससे पहले हमने शैवालों की सामान्य संरचना पढ़ी, उसमें आर्थिक महत्व बढ़ा था। और आर्थिक महत्व क्या बढ़ा था? कि कई शैवाल ऐसे होते हैं जो खाद्य पदार्थ के रूप में काम आते हैं, कई ऐसे होते हैं जिससे नमक प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। अगर किससे प्राप्त होता है? अगर प्राप्त होता है ग्रेसिलेरिया से और जेलिडियम से। तो ये दोनों ही शैवाल किस डिवीजन के सदस्य हैं? रोडोफाइसी के। तो आज की हमने इस क्लास में क्या डिस्कस किया है? शैवाल के विभिन्न प्रकार के डिवीजन, जैसे क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी और रोडोफाइसी के बारे में। आप
इसको पढ़ते पढ़ते या पढ़ने के साथ में अपने नोट्स तैयार करते जाइए। आज के लिए आपको होमवर्क करना है, क्या करना है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में तुलना कीजिए। क्या करनी है, तुलना किन किन के बीच में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे, एक टेबल में कुल चार खाने बनाओगे, एक तरफ लिखोगे लक्षण, फिर लिखोगे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। और लक्षण में पहला जैसे कोशिका भित्ति या सामान्य नाम लिख दिया पहले, तो क्लोरोफाइसी के नीचे लिखोगे हरी शैवाल, फियोफाइसी के नीचे लिखोगे भूरी शैवाल और रोडोफाइसी के नीचे लिखोगे लाल शैवाल। इसका मतलब इनका सामान्य नाम अलग अलग प्रकार का हो सकता है। उसके बाद में लिखोगे इनका थैलस कैसा होता है, एक कोशिके, बहु कोशिके, फिर लिखोगे वर्णक, फिर लिखोगे संचित खाद्य पदार्थ, फिर लिखोगे इसमें जनन और इसके बाद में लिखोगे एग्जाम्पल। तो ये हुआ आपका होमवर्क। होमवर्क के रूप में क्वेश्चन वापस सुन लीजिए, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी डिवीजन की तुलना कीजिए। थैंक यू।